याद होगा ये दोस्तों, नासा शिक्षक भर्ती में 150 में से 142 नंबर मिले हैं। राष्ट्रपति जी को ये नहीं जानते हैं, शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा कर पास हुए थे धर्मेंद्र का, ये हाल है। नाम है इनका धर्मेंद्र कुमार पटेल, पता है श्याम सरोज प्रयागराज, सॉरी सराय मरेज प्रयागराज। काबिलियत 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, परीक्षा में टापरों की सूची में शामिल। कुल 150 में से 142 अंक हासिल किए, लेकिन देश के राष्ट्रपति का नाम उसे नहीं पता। हैरान करने वाली बात यह है, लेकिन यह सच है। SSP अशोक वेंकटेश ने बताया है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में फर्जीवाड़ा कर पास हुए धर्मेंद्र विनोद समेत 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला कि धर्मेंद्र को शिक्षक भर्ती में 150 में से 142 नंबर मिले थे। SP ने धर्मेंद्र से पूछा कि देश का राष्ट्रपति कौन है, तो वह इसका जवाब नहीं दे सका। इसके बाद सामान्य ज्ञान से सवाल पूछे गए, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाया। SP का कहना है कि उसकी खामोशी बता रही थी कि वह सहायक शिक्षक भर्ती में कैसे टापरों की सूची में शामिल हो गया। SP ने बताया कि आरोपियों के पास से मिली डायरी में 20 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए, इनमें से 18 का चयन होने का पता चला है। अभी सिर्फ 3 पकड़े गए हैं, अन्य 17 की तलाश की जा रही है, उनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। पुरानी शिक्षक भर्ती में दोस्तों लगातार इसमें सवाल उठाए जा रहे थे, और धर्मेंद्र कुमार पटेल के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए, और वही हुआ जिसको अभ्यर्थियों की आशंका थी। इनसे जब राष्ट्रपति जी का नाम पूछा गया तो वो भौचक रह गए और कोई यहाँ पे जवाब नहीं दे सके। और अन्य 17 की भी तलाश की जा रही है जो इनके साथ चयनित हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद बाकी चीजें सामने आ सकेंगी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती अभ्यर्थियों ने परिणाम आने के बाद से ही धांधली का आरोप लगाया था। फूलपुर सोराव बहरिया आदि क्षेत्रों के अभ्यर्थियों ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। आरोप था कि लगभग 34 अभ्यर्थियों ने 140 नंबर पाए, जबकि TT में 70 से 80 अंक थे। आरोप लगाया था कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजा कृष्णलाल पटेल ने अपने करीबियों को फर्जीवाड़ा करके ज्यादा नंबर दिलाए। पेपर आउट से लेकर कई तरह की सेटिंग यहाँ पे आरोप लगाया गया था इसके ऊपर। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में धर्मेंद्र कुमार का शैक्षिक रिकॉर्ड क्या है, उस आधार पे आप फिलहाल पहले भी इसके बारे में आपको जानकारी मिली है, लेकिन फिर से एक बार नजर में देखते हैं। हाई स्कूल UP बोर्ड से इन्होंने किया 1999 में, टोटल जो है इनका प्रतिशत 45.16% है, और इंटर जो है UP बोर्ड से 2003 में किया, ये 51.6% के साथ पास आउट हुए हैं। स्नातक जो संपूर्ण संकित विश्वविद्यालय वाराणसी से 2007 में 56.77। इनके शैक्षिक रिकॉर्ड से ही आप पता लगा सकते हैं कि ये कितने टैलेंटेड हैं। BA संपूर्ण संस्कृति विश्वविद्यालय 2012 57.1%। TET परीक्षा नियामक प्राधिकारी 2018 126 अंक 150 में, और सुपर टेट में आप लोग देख ही रहे हैं, मतलब कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में 142 अंकों के साथ पूरा भारत इनको समझ लीजिए जान रहा है। तो यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार की पोल, और इसी प्रकार से सभी लोगों का इंटरव्यू होना चाहिए। फिलहाल इनका इंटरव्यू जो है किसी TV चैनल के माध्यम से कराया जाए, अब तो कराया ही जाएगा, जो कि हमने इनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी, किस प्रकार से इन्होंने ये बातें स्पष्ट की थी कि वो किस प्रकार से हुए हैं। इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, और टापरों की पोल जिस प्रकार से चैनल के माध्यम से खोली जाती है, तो शुरू से ही इस चैनल ने उठाया है, आप लोग का सपोर्ट प्रेम बना रहे। इसी प्रकार से वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, और मुख्यमंत्री तक वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो भी जान सके किस प्रकार से शिक्षक भर्ती में इतना बड़ी धांधली हुई है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। अगली वीडियो का इंतजार करिए, इसी प्रकार से पोल खोलते रहेंगे, आप बने रहिए।